जिसकी घोषणा व्यापारी संगठन ने की है। नीमच शहर का सबसे ज्यादा भीड़ वाला बाजार आगामी 25 अक्टूबर को दीपावली पर्व के ठीक एक दिन बाद पूरी तरह से बंद रहेगा, जिसका कारण सूर्य ग्रहण होना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नीमच सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप चौधरी और सचिव रितेश गर्ग ने बताया कि 24 अक्टूबर को दीपावली पर्व है, उसी के ठीक अगले दिन 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है। ऐसे में कोई शुभ कार्य नहीं होता और खरीदी अशुभ मानी जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीमच सर्राफा एसोसिएशन ने आगामी 25 अक्टूबर को नीमच सर्राफा पूरी तरह से बंद रखने का फैसला लिया है, जिस पर एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने अपनी सहमति जताई है। देखिए, दीपावली की पूजा होती है, हर इंसान अपने घरों में प्रतिष्ठानों में दीपावली की पूजा करेगा और दूसरे दिन मतलब उस पूजा की रात को ही 4 बजे से ग्रहण का सूतक लग जाएगा। दूसरे दिन सूर्य ग्रहण है, तो वैसे भी अपने को सब पता है कि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि ग्रहण अच्छे नहीं होते, तो डेफिनेटली ऑलरेडी चलते बाजार में अगर ग्रहण आता है तो कोई ध्यान लगाता नहीं लगाता। पर इस बार हम लोगों ने ये निर्णय इसलिए लिया है कि दीपावली की हम लोग रात को पूजा करेंगे और उसके तुरंत बाद ग्रहण का सूतक लग जाएगा, तो वो व्यापार के लिए भी, घर परिवार के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी, हर दृष्टि से वो उत्तम नहीं माना हम लोगों ने। हम लोगों की आपसी चर्चा हुई और फिर मैंने ये निर्णय दिया कि हम लोग इस दिन पूरी तरह से तालाबंदी करके बाजार बंद रखें। आपको याद होगा कुछ समय पहले भी अगर ऐसे ग्रहण आते थे तो परिवार के बुजुर्ग हमें गैलरी में बाहर तक नहीं आने देते थे और बाजार पूर्णतः बंद रहते थे। पर समय के साथ साथ परिवर्तन आता है, नए युवा लोग जो होते हैं वो कुछ मानते हैं, नहीं मानते हैं, तो पर इस बार क्या दीपावली के जस्ट दूसरे दिन जो ग्रहण आ रहा है तो डेफिनेटली ग्रहण की छाया हम लोग हमारे व्यापार स्थल पर भी, पूजा स्थल पर भी, घर परिवार पर भी नहीं पड़ने देना चाहते, इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम लोग दूसरे दिन पूरी तरह सराफा बन